नमस्कार, मैं सलोनी नांगे और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज। आइए जानते हैं आज की टॉप 10 खबरें। दिल्ली रिंग्स कैंप में फंसे मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने दी बेल, पासपोर्ट समर्पण करने का दिया आदेश। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। देश फोगाट के रजत पदक की याचिका CAS ने की स्वीकार, भारत के टॉप वकील हर एक साल पे करेंगे उनका प्रतिनिधित्व। नोएडा की एक निजी स्कूल ने बच्चों के टिफिन में मांसाहार भोजन पर लगाई पाबंदी, पालकों ने किया विरोध। महाविकास आघाड़ी को राज्य में मिलेंगी लगभग 165 सीटें, विपक्षी गठबंधन सहयोगियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण में दी गई जानकारी। इंदौर ने बनाए GPS युक्त जूते, 10 सैंपल सौंपे गए आर्मी को। मध्य प्रदेश में हुई एक वर्षीय बच्चे की हत्या, माँ के प्रेमी ने दी जान। साल मई से अब तक कलंबा जेल परिसर में बरामद किए गए 46 मोबाइल हैंडसेट, अब तक 12 कर्मचारियों को किया गया निलंबन। वही मुंबई नगर निगम ने शुरू किया अवैध होर्डिंग हटाओ अभियान, शहर भर में हटाए 211 अनधिकृत बैनर। नागपुर के क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल के कैदियों ने किया अपनी कला का प्रदर्शन, रक्षाबंधन त्योहार के लिए बनाई उत्कृष्ट राखी।